जनपद शाहजहांपुर पुवाया रोड पर पैना गांव के पास ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत सांसद विधायकों ने हवन पूजन और मंत्रोच्चारण के साथ अस्पताल का शिलान्यास कराया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आने वाले समय में आम लोगों के साथ ही श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों को लाभ मिलेगा। श्रमिकों की विभिन्न श्रेणी है जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों, मिल कारखानों, उद्योगों में काम करने वाले कर्मी हैं और जिनका वेतन 15,000 रुपए के नीचे है, उन सभी को ईएसआई हॉस्पिटल के माध्यम से सारी चिकित्सा सुविधा मिलती है और साथ ही साथ जो हमारे निर्माण मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर, उन सभी निर्माण मजदूरों को उनके इलाज में जितना भी खर्च होता है गंभीर बीमारियों में, वो पूरा का पूरा पैसा हमारा श्रम कल्याण बोर्ड देता है। इसके अतिरिक्त जो असंगठित क्षेत्र के अन्य कर्मकार हैं जिनका बोर्ड अभी गठित हुआ है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ श्रमिक अब तक पंजीकृत हो गए हैं, उनको अभी मैंने 2 योजना लॉन्च की है जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत उन श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया जा रहा है। आज ये मिल कारखानों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों के लिए ईएसआई हॉस्पिटल का हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ है। क्योंकि हमारी सरकार का मुख्य मंतव्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस कड़ी में हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों तक अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हम अपनी तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं, गैस सिलेंडर, रसोई गैस चूल्हा के साथ, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, अंधेरी बस्तियों में निःशुल्क बिजली का कनेक्शन और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा सभी जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से आच्छादित कर रहे हैं, वहीं पर हम निर्माण मजदूरों को 17-17 योजनाओं से लैस कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं।